आरोप सारे बेबुनियाद हैं जी, सारे पॉलिटिकल हैं, राजनीति की रंजिश की वजह से सारे आरोप लगाए गए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। साइंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए, रियलिटी जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे जो कर रहे हैं उसी में आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं, लोगों से सीधी चर्चा दिखाते हैं। कोई सूत्र नहीं है, ये एक्चुअली लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम डेरा सच्चा सौदा में स्पेंड किया है, और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा को बहुत नज़दीक से जाना है। उनका क्या मानना है, जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो भी उनके बारे में बातें दिखाई गई, उन सब के बारे में इन लोगों का क्या मानना है, ये बातें हम आपको इनसे करके दिखाते हैं, चलते हैं इनके पास ही। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? शांतिलाल। सर क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड ऑफिसर, जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड पर्सन। सर क्या कहना है सर आपका डेरा सच्चा सौदा के बारे में? डेरा सच्चा सौदा एक साफ सुथरी संस्था है जी, लोगों की सेवा करना, इंसानियत को जिंदा रखना, ये सब अच्छे अच्छे काम करना से डेरा सच्चा सौदा द्वारा ही किए जाते हैं। सर आपको गुरु जी का नेचर कैसा लगता है? गुरु जी का नेचर बहुत बढ़िया है जी। आप कब से जानते हो सर गुरु जी को? मैंने 1990 में नामदान की दात प्राप्त की थी गुरु जी से। सर जैसे आप वेल एजुकेटेड हो, खुद ही आप जुडिशरी से मतलब एक्स हो, सर आपका क्या मानना है गुरु जी किस तरीके से कानून की पालना करते हैं? गुरु जी ने कानून की पालना बहुत अच्छे तरीके से की है जी, क्योंकि सर उनके बारे में बहुत सवाल उठाए गए थे। वो सारे सवाल बेबुनियाद हैं जी। सर मीडिया में बहुत अलग तरीके से और भी दिखाया गया था। मीडिया में तो बहुत कुछ गलत दिखाया गया, मीडिया में जो कुछ भी दिखाया है सारा गलत दिखाया है जी। और जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर उसके लिए? वो आरोप सारे बेबुनियाद हैं जी, सारे पॉलिटिकल हैं, राजनीति की रंजिश की वजह से ही सारे आरोप लगाए गए। सर ऐसे में गुरु जी को ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, तो जो लोग बुरे काम करते हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं है। गुरु जी ने क्या अच्छे काम किए हैं सर? गुरु जी ने इनके 122 काम जो चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे वेश्यावृत्ति छुड़वा के उनको बेटियां बना के उनकी शादियां करवाना, और भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे देश की मिलिट्री है सर उसके लिए। हाँ, उसके लिए हर बार खूनदान का कैंप लगाना, खूनदान कर रहे हैं अस्थमा के। सर क्या हमारे देश की तरक्की में योगदान है गुरु जी का? देश की तरक्की में बहुत योगदान है जी। अब गुरु जी के जाने के बाद यहाँ सिरसा में भी कितनी बेरोजगार, कितने युवक बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं घरों में। अब गुरु जी थे तो यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा था लोगों का। और क्या प्रभाव आया सर जब से गुरु जी नहीं है? और नशा ज़्यादा बढ़ गया जी। पहले लोग सत्संग में जाते हैं, डेरे में सत्संग सुनते थे तो नशा से दूर रहते थे, अब वही पहले जैसा हाल होता जा रहा है। जरूरत है सर आज सोसाइटी को? आज बहुत जरूरत है सोसाइटी को। अगर गुरु जी वापस आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? गुरु जी वापस आ जाए तो वही पहले लोगों में काफ़ी सुधार होगा, नशे से दूर होंगे लोग। क्या मांग करोगे सर आप सरकार से? सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग करेंगे जो इनके केसों का निपटारा करके जल्दी बाहर भेजें सर, समाज में सुधार करें आगे। आम जनता को क्या अपील करोगे? आप वेल एजुकेटेड हो, बहुत अच्छे से आपने एनालाइज किया होगा, क्या अपील करोगे जो मीडिया में दिखाया गया था उन सब के बारे में, क्योंकि उन्होंने उसी को देखा है और उसी के थ्रू गुरु जी को जानते हैं वो। मीडिया ने जो दिखाया वो सारा ही गलत दिखाया है, मीडिया भी बुका हुआ है उसको, तो जैसे पहले दो वैसे बोलते जाएंगे। एक सर और सवाल उठाया जाता है कि वहाँ पढ़े लिखे कम आते हैं, आप वेल एजुकेटेड हो, आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, क्या आप जवाब देना चाहोगे? ये तो गलत बात है, यहाँ पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड आदमी आते हैं, कोई SDO इंजीनियर एक्शन बड़े बड़े ऑफिसर जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे अनपढ़ ही जाते हैं, सब वेल एजुकेटेड आदमी जाते हैं जो समझते हैं। सर आप लोग मतलब क्यों जुड़े हो, आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है, क्या मतलब आप लोगों को जोड़े रख रहा है आज भी उनके साथ इतना कुछ दिखाने के बाद भी? हमें इनको जोड़े रख रहा है जो ये आपसी
प्रेम भाईचारा सिखाते हैं, अच्छे काम करने सिखाते हैं, इंसानियत की, इंसानियत को जिंदा रखने के जो बताए जाते हैं, इसलिए हम इनसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों दिखा रहे हैं लोगों की सीधी बातचीत, ये है वो फैक्ट जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे। हम लोगों से सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं, फिर आखिर क्यों सूत्रों के हवाले से वो ऐसी खबरें दिखाई गई जो वहाँ जाने वाले लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।